नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ IPL 2021 के तीसरे मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में 11 अप्रैल 2021 को MS चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो अभिषेक भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। दोस्तों इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इनका काम एक बार चेक कर सकते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं हम इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। दोस्तों इनका पिछले साल परफॉर्मेंस ठीक था और ये प्ले ऑफ में खेले थे और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। डेविड वार्नर, रिद्धिमान शाह, केल्विन एम्सल, मनीष पांडे, जैसन होल्डर इनके बैट्समैन है, केदार जाधव, अब्दुल समद इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सरबाज निदिम, टी नटराजन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। दोस्तों इनका पिछले साल परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम हो सकती है। कप्तान इयान मॉर्गन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नितेश राणा, आंध्र रसेल इनके बैट्समैन है, विकेट कीपर दिनेश कार्तिक है, साकिब अल हसन, पैट कमिंस इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक टोटल ओवरऑल 19 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 मैचों में जीत दर्ज की है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है। सनराइजर्स हैदराबाद का 209 रन का हाईएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और कोलकाता नाइट राइडर्स का 183 रन का हाईएस्ट स्कोर है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने 128 रन का लोवेस्ट स्कोर बनाया है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और कोलकाता नाइट राइडर्स का 101 रन का लोवेस्ट स्कोर है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 10 मैचों में से 6 तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं और 4 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट ईयर 2 मैच खेले गए थे, दोनों को सनराइजर्स हैदराबाद ने हारे थे, दोनों मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं। एक मैच सुपर ओवर ही हुआ था जिसमें दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। यार अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो यह मैच MS चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में होने वाला है, यहाँ पर फास्ट बॉलरों को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर स्विंग गेंदबाजों को ज्यादा ही प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टेडियम में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं, यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 83 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 47 मैचों में जीत दर्ज किए और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मैचों में जीत दर्ज किए। यहाँ पर 2 मैच टाई भी रहे हैं, यहाँ का एवरेज स्कोर 160 रन है, यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 246 रन पर 5 विकेट का है, जो कि चेन्नई सुपर किंग ने बनाया था RCB के खिलाफ, और यहाँ का लोवेस्ट स्कोर 70 रन पर 10 विकेट का है, जो कि RCB का ही है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न है 150 के नीचे 18 बार, 150 से 169 के बीच में 28 बार, 170 से 189 के बीच में 12 बार और 190 प्लस यहाँ पर 15 बार स्कोर गया है। तो अगर आप इस मैच की ड्रीम 11 टीम लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों वहाँ पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर सबसे पहले देता हूँ, साथ में दोस्तों कभी मेरी प्रिडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही बताता हूँ, और दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड हर पल की अपडेट मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। दोस्तों मैं वहाँ पर ड्रीम 11 टीम के साथ साथ वहाँ पर मैं आपको टिप्स भी देता हूँ कि किस तरह आपको टीम चुननी चाहिए। दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को सनराइजर्स हैदराबाद ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने अभिषेक भाई से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो अभिषेक भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका काम काफ़ी बेटर है, उनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर सबसे पहले देता हूँ। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।